नमस्कार, मैं भारती पंडित आज जन सरोकार मंच के इस प्लेटफॉर्म पर अपनी कविताएं प्रस्तुत कर रही हूं। तो पहली कविता जो है मेरी, उसका शीर्षक है सपने। बच्चों से हमारी ढेर सारी अपेक्षाएं होती है और उन्हीं अपेक्षाओं को लेके ये कविता लिखी गई है। उस दिन जब मैं पहली बार गया पाठशाला और उस दिन जब मैंने सीखा ककहरा, उस दिन जब मैं पहली बार गया पाठशाला और उस दिन जब मैंने सीखा ककहरा, ढेरों अधूरे सपने धम से आ गिरे थे मेरी झोली में। दादा के सपने, दादी के सपने, माँ के सपने, पिताजी के सपने, वे सब मानो जो रहे थे मेरे बड़े होने की बात। वे सब मानो जो हो रहे थे मेरे बड़े होने की बात कि उनके भी सपनों को मिल जाए मंजिल, कि उनके भी सपनों को मिल जाए मंजिल। आज उनके सपनों को जीता हुआ मैं सोचता हूं कि देख लूं अपने भी कुछ सपने। आज उनके सपनों को जीता हुआ मैं सोचता हूं कि देख लूं अपने भी कुछ सपने और उन्हें पूरा भी मैं ही कर डालूं, और उन्हें पूरा भी मैं ही कर डालूं। डरता हूं कि कहीं मेरे सपने मेरे नन्हे की आंखों में घर ना बना ले। डरता हूं कि कहीं मेरे सपने मेरे नन्हे की आंखों में घर ना बना ले। अगली कविता का शीर्षक है पिताजी की सूनी आंखें। जब व्यक्ति होता है तो हमें उसकी कदर नहीं होती है, कहना चाहिए। जाने के बाद बहुत सारी चीजें आप उनसे रिलेट करते हैं। तो एक पुत्र जो है वो पिता के लिए क्या लिख रहा है, इस कविता में प्रस्तुत है। आजकल अक्सर याद आती है पिताजी की सूनी आंखें। आजकल अक्सर याद आती है पिताजी की सूनी आंखें, जो लगी रहती थी देरी पर मेरे लौटने की राह में। आजकल अक्सर याद आता है पिताजी का तमतमाया चेहरा। आजकल अक्सर याद आता है पिताजी का तमतमाया चेहरा, जो बिफर बिफर पड़ता था मेरे देर से घर लौटने पर। अब भली लगती है पिताजी की सारी नसीहतें, अब भली लगती है पिताजी की सारी नसीहतें, जिन्हें सुन सुन कभी उबल उबल जाता था मैं। आजकल सहेजने को जी करता है चश्मा छड़ी धोती उनकी। आजकल सहेजने को जी करता है चश्मा छड़ी धोती उनकी, जो कभी हुआ करती थी उलझन का सामान मेरी। अक्सर हैरान होता हूँ इस बदलाव पर, अक्सर हैरान होता हूँ इस बदलाव पर, जब उनके रूप में खुद को पाता हूँ। अक्सर हैरान होता हूँ उस बदलाव पर, जब उनके रूप में खुद को पाता हूँ, क्योंकि अब मेरा अपना बेटा पूरे 18 का हो गया है। क्योंकि अब मेरा अपना बेटा पूरे 18 का हो गया है। अगली कविता फिर अभिभावकों की अपेक्षाओं पर है। हमारे देश में बहुत सारे बच्चे 12वीं के रिजल्ट के बाद सुसाइड करते हैं, या इंजीनियरिंग की एंट्रेंस परीक्षा के बाद सुसाइड करते हैं। तो इसी तरह का एक सुसाइड नोट ये कविता है। कल रात फिर एक सुसाइड नोट न्यूज़पेपर की हेडिंग बन गया। कल रात फिर एक सुसाइड नोट न्यूज़पेपर की हेडिंग बन गया। एक प्यारा होनहार बच्चा अनचाही मौत मर गया। एक प्यारा होनहार बच्चा अनचाही मौत मर गया। हर कोई लगा रहा था अपने कयास, हर कोई लगा रहा था अपने कयास, उससे ऐसे कदम की नहीं थी आस, उससे ऐसे कदम की नहीं थी आस। वह था मासूम समझदार बड़ा, वह था मासूम समझदार बड़ा, फिर कैसे मौत के द्वार हुआ जा खड़ा। वह था मासूम समझदार बड़ा, फिर कैसे मौत के द्वार हुआ जा खड़ा। रुदन विलाप सवाल अनवरत, सत्य खुलता परत दर परत। रुदन विलाप सवाल अनवरत, सत्य खुलता परत दर परत। पर हर सवाल का जवाब बस यही, पर हर सवाल का जवाब बस यही, असफलता का सामना कर सका नहीं, असफलता का सामना कर सका नहीं। दीवारें बोल सकती तो कर देती बयां, दीवारें बोल सकती तो कर देती बयां,
कि उसे दिया गया अपेक्षाओं का अनंत आसमां, उसे दिया गया अपेक्षाओं का अनंत आसमां, उड़ न सका तो बेचारा डर गया, उड़ ना सका तो बेचारा डर गया, वह होनहार अपने माता पिता की अपेक्षाओं की बलि चढ़ गया, वह होनहार अपने माता पिता की अपेक्षाओं की बलि चढ़ गया। अगली कविता एक छोटी सी घटना को लेके बनाई गई है। हमारे यहाँ आमतौर पर जब भी घर में कोई परेशानी आती है, हम जनरली मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, बच्चों को कुछ दूध और बॉर्नविटा वाला जो हिसाब किताब पहले चला करता था वो हम अक्सर चॉकलेट या ऐसी कुछ भी चीजें, और जब भी घर में कोई दिक्कत होती है, बजट पर कटौती होती है, तो सबसे पहली मार उस बॉर्नविटा पे भी पड़ती है। तो उसी तरह का एक बच्चे और माँ के बीच का एक वार्तालाप है ये कविता। मुझे भी बहुत पसंद है और आपको भी देखिए पसंद आती है। कविता का शीर्षक है समय। आज फिर दूध को चॉकलेट ही न देखकर बच्चा भागा भागा माँ के पास आया। आज फिर दूध को चॉकलेट ही ना देखकर बच्चा भागा भागा माँ के पास आया और दाग दिया था उसने एक सवाल, बंदूक सी गोली सा माँ के सीने पर, और दाग दिया था एक सवाल बंदूक की गोली सा माँ के सीने पर, माँ क्या हम फिर से गरीब हो गए हैं, माँ क्या हम फिर से गरीब हो गए हैं। माँ शांत थी, निर्विकार, मौन, सचमुच उसकी नौकरी फिर छूट गई थी। जब जब ऐसा हादसा होता था सबसे पहले बच्चे का दूध चॉकलेटी से सफेद हो जाता था। जब जब ऐसा हादसा होता था सबसे पहले बच्चे का दूध चॉकलेटी से सफेद हो जाता था। बच्चा अब भी माँ को झिंझोड़ कर मांग रहा था अपने सवाल का जवाब। बच्चा अब भी माँ को झिंझोड़ कर मांग रहा था अपने सवालों के जवाब। सवाल तो और भी थे उसके मन में, सवाल तो और भी थे उसके मन में कि क्यों उसके पिता उसके साथ नहीं है, कि क्यों सबकी माँ घर में और उसकी माँ दफ्तर जाती है, कि क्यों उसकी माँ की नौकरी बार बार छूट जाती है। इन सवालों के जवाब उसे ना भी मिले तो उसे मलाल ना था, इन सवालों के जवाब ना भी मिले तो उसे मलाल ना था। उसकी सुंदर माँ कैसे भेड़ियों से बचती अपनी नौकरी करती छोड़ती है, इन सब से उसे सरोकार ना था। उसकी सुंदर माँ कैसे भेड़ियों से बचती अपनी नौकरी करती छोड़ती है, इन सब से उसे सरोकार ना था। क्योंकि एक यक्ष प्रश्न अनुत्तरित सा सामने खड़ा था उसके, क्योंकि एक यक्ष प्रश्न अनुत्तरित सा सामने खड़ा था उसके, कि मेरा दूध फिर से चॉकलेटी कब होगा, कि मेरा दूध फिर से चॉकलेटी कब होगा। उसने माँ को फिर से झिंझोड़ा, उसने माँ को फिर से झिंझोड़ा, माँ ने धीमे से उंगली उठाई और रास्ता दिखा दिया पूजा घर का। माँ ने धीमे से उंगली उठाई और रास्ता दिखा दिया पूजा घर का। बच्चा समझ गया, बच्चा समझ गया, भागा भागा पूजा घर में गया, हाथ जोड़ भगवान से बोला, हे भगवान हमें फिर से बना दे गरीब से अमीर। हाथ जोड़ भगवान से बोला, हे भगवान हमें फिर से बना दे गरीब से अमीर, ताकि मेरा दूध फिर से चॉकलेटी हो जाए, ताकि मेरा दूध फिर से चॉकलेटी हो जाए, और कुछ ऐसा कर कि मैं हमेशा चॉकलेटी दूध ही पीऊं, और कुछ ऐसा कर कि मैं हमेशा चॉकलेटी दूध ही पीऊं। कहने को तो उसकी मांग छोटी सी थी, कहने को तो उसकी मांग छोटी सी थी, पर इसी में उसने मांग ली थी सारे घर की खुशियां। कहने को तो उसकी मांग छोटी सी थी, पर इसी में मांग ली थी उसने सारे घर की खुशियां। देखना सब ठीक हो जाएगा, कहकर वो माँ के पास आ बैठा। माँ की आंखों में भी टिमटिमा गए थे उम्मीद के दो चमकीले मोती, माँ की आंखों में भी टिमटिमा गए थे उम्मीद के दो चमकीले मोती। अगली कविता जो है वो एक बेटी का सवाल है। इस बार कविता में सवाल बहुत सारे हैं। तो एक तो बात होती है जब भ्रूण हत्या होती है, जहां हम लड़की को जन्म नहीं देते,
दूसरा एक किस्सा होता है जहां बेटी जन्मती तो है लेकिन उसके जन्म पर इतना दुख मनाया जाता है, उसे हर पल एहसास कराया जाता है कि तुम्हारा जन्म लेना ठीक नहीं था। तो ऐसी ही एक बेटी का सवाल अपनी माँ से है। कविता का शीर्षक है, तुम क्यों रोई माँ? क्या तुम्हारी भी आंखों में छलके थे मोती? क्या तुम्हारे भी सपनों में आई थी दरार? क्या तुम्हारी भी आंखों में छलके थे मोती? क्या तुम्हारे भी सपनों में आई थी दरार? माँ जब मैं जन्मी थी, दादी की तो बात और थी, उनकी कोई साध और थी। दादी की तो बात और थी, उनकी कोई साध और थी, पर तुम तो मेरी अपनी माँ थी। तुम तो मेरी अपनी माँ थी और मैं एक नन्ही सी जा थी। रक्त मास से सिंचन करके तुमने दी मुझको पहचान। रक्त मास से सिंचन करके तुमने दी मुझको पहचान। माँ के हर स्पंदन संग मेरी धड़कन भी होती बलवान। फिर तुम क्यों रोई माँ जब मैं जन्मी थी? फिर तुम क्यों रोई माँ जब मैं जन्मी थी? खोली थी जब मैंने पलके इस अनजानी दुनिया में, खोली थी जब मैंने पलके इस अनजानी दुनिया में। हर चेहरे पर थी वीरानी, हर चेहरे पर थी वीरानी, हर कोई था एक दुविधा में। हर चेहरे पर थी वीरानी, हर कोई था एक दुविधा में। उन आंखों में बात यही थी, उन आंखों में बात यही थी, मुंह मांगी सौगात नहीं थी, अनचाहे ही उदित हुई थी। उन आंखों में बात यही थी, मुंह मांगी सौगात नहीं थी, अनचाहे ही उदित हुई थी। उन सबकी तो बात और थी, उन सबकी तो बात और थी, पर तुम तो मेरी अपनी माँ थी। फिर तुम क्यों रोई माँ जब मैं जन्मी थी? तब से अब तक देखा मैंने तुमको बस यूं घबराते, तब से अब तक देखा मैंने तुमको बस यूं ही घबराते। रोते डरते छटपटाते स्नेह सूत्र को बस दफनाते, रोते डरते छटपटाते स्नेह सूत्र को बस दफनाते। ना रो माँ मैं नहीं बनूंगी बोझ कभी तुम पर यूं भारी। ना रो माँ मैं नहीं बनूंगी बोझ कभी तुम पर यूं भारी। जैसे रखोगी जी जाऊंगी, जैसे रखोगी जी जाऊंगी, अवसर दो तो पढ़ जाऊंगी। जैसे रखोगी जी जाऊंगी, अवसर दो तो पढ़ जाऊंगी, अपनी तकदीर खुद बनाऊंगी, अपनी तकदीर खुद बनाऊंगी। ब्याह दोगी तो उफ ना करूंगी दूजे घर बस जाऊंगी। ब्याह दोगी तो उफ ना करूंगी दूजे घर बस जाऊंगी। फिर बनाऊंगी खुद को इतना मजबूत, फिर बनाऊंगी खुद को इतना मजबूत कि कर सकूं बिटिया का स्वागत। फिर बनाऊंगी खुद को इतना मजबूत कि कर सकूं बिटिया का स्वागत, ताकि वो ना करे मुझसे ये सवाल कि माँ तुम क्यों रोई थी जब मैं जन्मी थी। ताकि वो ना करे मुझसे ये सवाल कि तुम क्यों रोई थी माँ जब मैं जन्मी थी। अगली कविता मेरे कविता संग्रह सी बीच और अकेली लड़की से है। कविता का शीर्षक है मेरा डर। डरती रही हूं मैं युद्ध से, डरती रही हूं मैं युद्ध से, उस युद्ध से जो बचपन में छिड़ता था माता पिता के बीच। उस युद्ध से जो बचपन में छिड़ता था माता पिता के बीच, छोटी छोटी असहमतियों पर, और लड़ा जाता था तानों और व्यंग बाणों से। उस युद्ध से जो बचपन में छिड़ता था माता पिता के बीच, छोटी छोटी असहमतियों पर, और लड़ा जाता था तानों और व्यंग बाणों से, बर्तनों और दरवाजों के भड़बड़ाने से, जो डाल देता था दरारें मन में और कस देता था संबंधों में बेढब गांठें। जो डाल देता था दरारें मन में और कस देता था संबंधों में बेढब गांठें, गई जिन्हें सुलझाने में बीत जाती थी उम्र सारी, जिन्हें सुलझाने में बीत जाती थी उम्र सारी। डरती रही हूं मैं उस युद्ध से, डरती रही हूं मैं उस युद्ध से, जो होता था पड़ोसी से, जो होता था पड़ोसी से,
और बंद हो जाते थे दोनों तरफ खुलने वाले द्वार। डरती रही हूं मैं उस युद्ध से जो होता था पड़ोसी से, और बंद हो जाते थे दोनों तरफ खुलने वाले द्वार। खिंच जाती थी सरहदों पर लकीरें, खिंच जाती थी सरहदों पर लकीरें, कुछ जानी पहचानी शक्लें एक पल में हो जाती थी अजनबी अनजानी। कुछ जानी पहचानी शक्लें एक पल में हो जाती थी अजनबी अनजानी। आज भी डरती हूं मैं युद्ध से, आज भी डरती हूं मैं युद्ध से जो लड़ा जा रहा है घर और बाहर एकाधिकार के लिए। आज भी डरती हूं मैं युद्ध से जो लड़ा जा रहा है घर और बाहर एकाधिकार के लिए, आरोप प्रत्यारोप के लिए, घात प्रतिघात के लिए। शक्ति की विजय ही जिसका अंतिम सत्य है, शक्ति की विजय ही जिसका अंतिम सत्य है। सच यह भी है कि युद्ध से भी भयावह है उसके बाद की छद्म शांति। सच यह भी है कि युद्ध से भी भयावह है उसके बाद की छद्म शांति, जिसमें बस दिखता है सब कुछ पहले जैसा, जिसमें बस दिखता ही है सब कुछ पहले जैसा, पर नीम गहराई में खदबदाता रहता है विध्वंस का लावा। नीम गहराई में खदबदाता रहता है विध्वंस का लावा नए उछाल की प्रतीक्षा में। डरती रही हूं मैं ऐसे सारे युद्धों से। अगली कविता का शीर्षक है मेरी बात। उस पार से बात करने वाली, मेरी आवाज की खिलाफत करने वाली, एक बार आकर तो देखो हाशिए पर, एक बार फंसाओ मेरे जूतों में पैर अपने, फिर कहना गलती किसकी थी। उस पार से बात करने वालों, मेरी आवाज की खिलाफत करने वालों, एक बार आकर देखो तो हाशिए पर, एक बार फंसाओ मेरे जूतों में पैर अपने, फिर कहना गलती किसकी थी। आसान है उस पार खड़े होना, आसान है उस पार खड़े होना, सुविधाओं के महल की बारादरी से धिक्कार में उंगलियां इस ओर उठा देना। आसान है उस पार खड़े होना सुविधाओं के महल की बारादरी से धिक्कार में उंगलियां इस ओर उठा देना। एक बार जी कर तो देखो मेरी जिंदगी, एक बार जी कर तो मेरी देखो जिंदगी, फिर कहना गलती किसकी थी। सहज है मेरे आज को तौलना, सहज है मेरे आज को तौलना, कड़वी तल्ख धधकती जबान से मेरी मांगों को नाजायज कहना। सहज है मेरे आज को तौलना कड़वी तल्ख धधकती जबान से मेरी मांगों को नाजायज कहना। एक बार झांको तो गिरेबान में अपने, एक बार झांको तो गिरेबान में अपने, फिर कहना गलती किसकी थी। सबसे आसान है हक मारना, ये कविता सारे दलित वर्ग की तरफ से है और सर्वहारा वर्ग की तरफ से है, उस वर्ग के लिए जो जिनको सब कुछ मिला हुआ है और जो सुव्यवस्थित एक स्थिति समाज में दाखिल किए हुए हैं। सबसे आसान है हक मारना ताकत के दंभ के हथियारों से, सबसे आसान है हक मारना ताकत के दंभ के हथियारों से किसी का सब कुछ हथिया लेना। एक बार वापस तो जाओ अतीत में, एक बार वापस तो जाओ अतीत में, फिर कहना गलती किसकी थी। एक बार वापस तो जाओ अतीत में, फिर कहना गलती किसकी थी। अगली कविता का शीर्षक है गरीब की लड़की। गरीब की लड़की नहीं सोती है पूरी नींद, गरीब की लड़की नहीं सोती है पूरी नींद, करती माँ की हिदायत का पालन। गरीब की लड़की नहीं सोती है पूरी नींद, करती माँ की हिदायत का पालन, कि नींद में ना आ जाए कोई सपना सलोना, कि नींद में ना आ जाए कोई सपना सलोना, जिसे पाने को मचल पड़े मन की नदी अपने प्रवाह को अनियंत्रित करके। गरीब की लड़की जानती है सीमाएं अपनी, गरीब की लड़की जानती है सीमाएं अपनी, कि अव्वल तो कोख में ही मार दी जाएगी, अव्वल तो कोख में ही मार दी जाएगी, जी गई तो अनचाही से दुलार दी जाएगी, जी गई तो अनचाही से दुलार दी जाएगी, पढ़ना चाहेगी तो ब्याह दी जाएगी, पढ़ना चाहेगी तो ब्याह दी जाएगी, बोझ से दूसरे आंगन उतार दी जाएगी,
बोझ सी दूसरे आंगन उतार दी जाएगी। गरीब की लड़की, फिर भी झपका ही लेती है उनींदी पल के। गरीब की लड़की फिर भी झपका ही लेती है उनींदी पल के, देखने को सुनहरे जीवन का सुकुमार सपना। गरीब की लड़की फिर भी झपका ही लेती है उनींदी पल के, देखने को सुनहरे जीवन का सुकुमार सपना। क्योंकि बचपन में दादी की कहानी में सुना था कभी, क्योंकि बचपन में दादी की कहानी में सुना था कभी कि सपने भी सच हो जाया करते हैं, सपने भी सच हो जाया करते हैं। अगली कविता का शीर्षक है अच्छी लगती है, कटाक्ष है। अच्छी लगती है हंसती खिलखिलाती ठहाके लगाती स्त्रियां, अच्छी लगती है हंसती खिलखिलाती ठहाके लगाती स्त्रियां। मन को भाती है ठाट से मंडराती मोटरसाइकिल चलाती स्त्रियां, मन को भाती है ठाट से मंडराती मोटरसाइकिल चलाती स्त्रियां। राहत देती है आगे बढ़ती पुरुषों को पछाड़ती स्त्रियां, राहत देती है आगे बढ़ती पुरुषों को पछाड़ती स्त्रियां। रास आती है धुएं के छल्ले उड़ाती उन्मुक्त स्वच्छंद स्त्रियां, खूब सुहाती है अल्ट्रा मॉडर्न कहलाती फैशनेबल स्त्रियां। जी को लुभाती है हाथ मिलाती गिलास टकराती स्त्रियां, बस शर्तें लागू है कि उनमें से ना हो कोई हमारे घर की स्त्रियां, शर्तें लागू है कि उनमें से ना हो कोई हमारे घर की स्त्रियां। अगली कविता जो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ वो नवीन, जो अभी प्रस्तावित कविता संग्रह है, जो भी लेखन उसका शुरू है, उसी की एक कविता है। कविता का शीर्षक है सिखा सको तो, यदि सिखा सको तो प्रेम करना सिखाओ, यदि सिखा सको तो प्रेम करना सिखाओ। सिखाओ कि विश्वास कैसे किया जाता है, बताओ कि समर्पण क्या होता है, आंसुओं को पोंछ मुस्कान देना सिखाओ, साथी की खुशी के लिए झुक जाना सिखाओ, परवाह करना सिखाओ सम्मान देना सिखाओ, परवाह करना सिखाओ सम्मान देना सिखाओ। सिखाओ कि बराबरी क्या होती है, सिखाओ कि बराबरी क्या होती है, रिश्ते में जीवन लाना सिखाओ, रिश्ते में जीवन लाना सिखाओ। प्यार में निखरना सिखाओ, प्यार में किसी का हो जाना सिखाओ, प्यार में निखरना सिखाओ, प्यार में किसी का हो जाना सिखाओ। यदि सिखा सको तो प्यार में जीना सिखाओ, यदि सिखा सको तो प्यार में जीना सिखाओ। इसी संग्रह की अगली कविता है कुछ लोग। कुछ लोग मर जाते हैं एक दिन, कुछ लोग मर जाते हैं एक दिन, और कुछ लोग हर दिन मरा करते हैं। कुछ लोग मर जाते हैं एक दिन और कुछ लोग हर दिन मरा करते हैं। लाचारी के बोझ तले भूख की आग में जलते अपमान का दंश सहते कुछ लोग हर दिन मरा करते हैं। बच्चों के सपनों का ढहना देखते पत्नी की आंखों की ना उम्मीदी झेलते, तिरस्कार के बोझ तले दबते कुछ लोग हर दिन मरा करते हैं। तिल तिल आती इस मौत पर कोई ध्यान नहीं देता, तिल तिल आती इस मौत पर कोई ध्यान नहीं देता, और फिर ये हर दिन मरा करते लोग एक दिन सचमुच मर जाते हैं, और फिर हर दिन मरा करते ये लोग एक दिन सचमुच मर जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। अगली कविता है जिसको मैं ब्रेकअप की कविता कहती हूँ, हालांकि ब्रेकअप जैसी क्या ही चीज होती है, साथ छूटता है प्रेम नहीं छूटता है, तो उसी के ऊपर एक कविता है, मेरे हिस्से का प्रेम। रास्ते भले ही हो गए हो अजनबी, रास्ते भले ही हो गए हो अजनबी, पर इतना तो करना मेरे हिस्से का थोड़ा सा प्रेम बचाए रखना। रास्ते भले ही हो गए हो अजनबी, पर इतना तो करना मेरे हिस्से का थोड़ा सा प्रेम बचाए रखना। चीनी के सतरंगी अंगड़ से प्यालों को देखकर याद कर लेना वो शामें जो हमने अक्सर साथ बिताई थी, कभी कभी छू लिया करना उस गुलदावरी के पौधे को, कभी कभी छू लिया करना उस गुलदावरी के पौधे को,
जिसे आदतन सहला दिया करती थी मैं तुम्हारे बगीचे में टहलते हुए, जिसे आदतन सहला दिया करती थी मैं तुम्हारे बगीचे में टहलते हुए, ग्रीन टी के साथ ओट्स बिस्कुट खाते हुए। याद कर लेना मेरे कटाक्ष को, जो अक्सर हुआ करते थे स्वास्थ्य के प्रति तुम्हारी दीवानगी पर। ग्रीन टी के साथ ओट्स बिस्कुट खाते हुए याद कर लेना मेरे कटाक्ष को, जो अक्सर हुआ करते थे स्वास्थ्य के प्रति तुम्हारी दीवानगी पर। कभी कभी ओढ़ लिया करना मौसम सर्द होते ही उस मुलायम शॉल को, जिसे लपेटे घंटों साथ बैठते थे हम। कभी कभी ओढ़ लिया करना मौसम सर्द होते ही उस मुलायम शॉल को, जिसे लपेटे घंटों साथ बैठते थे हम। कभी कभी महसूस कर लिया करना मेरी गंध, मेरे स्पर्श, मेरे नेह को, मेरे साथ बिताए क्षणों को, जिसमें तारों की सैर कराते थे हम। कभी कभी महसूस कर लिया करना मेरी गंध, मेरे स्पर्श, मेरे नेह को, मेरे साथ बिताए क्षणों को, जिसमें तारों की सैर कराते थे हम। मुझमें बाकी है तुम्हारा सब कुछ, मुझमें बाकी है तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारे अंदर भी थोड़ी सी मैं बचा कर रखना। मुझमें बाकी है तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारे अंदर भी थोड़ी सी मैं बचा कर रखना। हाँ, मेरे हिस्से का वह प्रेम बचा कर रखना। और अंतिम कविता है, गर चुनना हो किसी को, सुनो, गर चुनना ही हो किसी को, गर चुनना ही हो किसी को, तो चुनना उसे जो प्यार करना ही नहीं प्यार को जीना जानता। गर चुनना ही हो किसी को, तो चुनना उसे जो प्यार करना ही नहीं प्यार को जीना जानता। जिसे फिक्र हो तुम्हारे उन लम्हों की जिनमें तुम होती हो नितांत अकेली, जिसे फिक्र हो तुम्हारे उन लम्हों की जिनमें तुम होती हो नितांत अकेली, जो बांट सके तुम्हारी तन्हाई को, जो साथ रहे उन पलों में जो होते हैं बेकल बेसुध से, शापित अकेलेपन से भरे पूरे, जो अपनी उलझनों के बावजूद समय दे सके तुम्हें, जो अपनी उलझनों के बावजूद समय दे सके तुम्हें, जिसका कंधा मिल सके आंसुओं का बोझ उतारने को, जिसका कंधा मिल सके आंसुओं का बोझ उतारने को, और मौजूद हो जिसका आगोश खुशियों के चंद पल बांटने को, जो गुलाबी करे गाल होली पर और दीप जलाए साथ दिवाली के, जो गुलाबी करे गाल होली पर और दीप जलाए साथ दिवाली के, चुनना उसे जो तुम्हें स्वीकारे जैसी हो ठीक उसी तरह से, चुनना उसे जो तुम्हें स्वीकारे जैसी हो ठीक उसी तरह से, ना जोड़े ना घटाए ना हटाए ना मिटाए, ना जोड़े ना घटाए ना हटाए ना मिटाए, पर उसके होने से तुम दोगुनी होती जाओ, पर उसके होने से तुम दोगुनी होती जाओ, प्यार में, खुशियों में, स्नेह में, हिम्मत में। यदि चुनना ही हो किसी को तो ऐसा ही कोई चुनना, यदि चुनना ही हो किसी को तो ऐसा ही कोई चुनना, और यदि ना मिले कोई तो खुद को ही चुन लेना, और यदि ना मिले कोई तो खुद को ही चुन लेना, प्यार करने को, दुलारने को। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कविताएं सुनी और उम्मीद है कविताएं आपको पसंद आई होंगी। धन्यवाद।